हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करूँगे अपनी लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गए जी आप लोगों हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी जो है ना सुबह का टाइम होगा और मैं जो है ना फार्म पे आ चुका हूँ और यार सिल्की की मुर्गी जो है ना अंडों पर नहीं बैठी, लेकिन वो जो है ना एक अलहदा से जगह बना के यहाँ पर बैठ गई है। मतलब अब जो है ना हमें सारे अंडे उठा के और जहाँ पर बैठी है वहाँ पर रखना पड़ेंगे, ताकि जो है ना ये सही तरह और यानी जिस तरह भी हो सही तरह करके अपना कुड़क पूरा करें। क्योंकि अभी ना यहाँ पे धूप वगैरह आ गई है, तो पहले ना हम क्या करते हैं कि जो अंदर चिक्स पड़े हैं छोटे, उनको ना बाहर ला के धूप में रखते हैं, ताकि वो जो है ना फिर यानी सही रह जाएंगे धूप में ना, बजाय इसके के अंदर छांव में पड़े हैं उधर फिर भी थोड़ी सी ठंड होगी। मैं वो चूज़े बाहर रख के आया हूँ और मैंने आके देखा तो ये मुर्गी जो है ना उठी हुई है वहाँ से भी जहाँ बैठी थी। अभी पता नहीं इसका क्या बनता है, शायद से इसको इसके पिंजरे में बिठाना पड़े, लेकिन फिर जो है ना एक छोटा सा मसला बन जाएगा वो किस चीज़ का, कि भाई फिर मुर्गों की तरफ धूप नहीं आएगी। यानी कि अगर हम आपको दिखाता हूँ ना, इन मुर्गियों को इधर हमने कल दो मुर्गियाँ छोड़ी थी, एक ये ब्लैक वाली और एक जो है ना वो वाइट वाली सिल्की के साथ। तो अगर हम सिल्की को यहाँ पे बिठाते हैं तो हमें इनको जो है ना वापसी जहाँ पे भी मुर्गी बिठाई हुई है इस वाले केज में शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर इस तरह करते हैं तो इस केज में सारा दिन धूप नहीं आती, वहाँ फिर भी अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, लेकिन जो है ना ये वाला केज हमने इसीलिए इधर मुर्गी बिठाई थी क्योंकि मुर्गी ने तो सारा दिन बैठे रहना, उसने तो उठ के धूप सेकनी नहीं है, लेकिन जो है ना ये मुर्गे जो है ना वो आगे आगे धूप सेकते हैं, तो इस वजह से हमने ऐसा किया था। अभी अल्लाह करे जगह पर जाके बैठ जाए अंडों पर, नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी ना सारों को पानी डाल दिया, सिल्की को भी डाल दिया, उम्मीद है कि वो जो है ना पानी शानी पी के शाम तक इंशाल्लाह अंडे देखेगी तो बैठ जाएगी। बाकी ये मुर्गी जो है ना सुबह छोटे भाई से निकल गई थी, वो आया था, तो अभी इनको भी खोल देते हैं और उसके बाद इन सारों को भी खोल देते हैं। ये भी ना मैंने सारी मुर्गियों को पीछे भेज दिया, अब जो है ना बस सिल्की का इंतज़ार है, इंशाल्लाह शाम तक जो है ना बैठ जाएगी, और ना बैठी तो हमें इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे शाम को, इंशाल्लाह भी नहीं शाम को थोड़े टाइम इंतज़ार कर लेते हैं, दिन में हो सकता है अंडे देखे और बैठ जाए, क्योंकि रात को आगे सारी रात कपड़ा था और अंधेरा था, शायद इसको अंडे नज़र ना आए। बाकी भी हम घर चलते हैं फिर इंशाल्लाह शाम को चक्कर लगेगा। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और हम लोग जो है ना फार्म पर आ चुके हैं, और सिल्की जो है ना अभी तक अंडों पे नहीं बैठी, वो जो है ना पीछे जाके बैठ गई है। देखते हैं अभी आज जो है ना अभी यानी कि पीछे जाके जगह बनाते हैं, अल्लाह करेगा फिर जो है ना पीछे जाके बैठ जाएगी, अगर वहाँ भी ना बैठी तो फिर जो है ना इसको इसके पिंजरे में करना पड़ेगा। अभी जो है ना हमने इसको पीछे जगह बना दी है और अब जो है ना माशाल्लाह से ये बैठ गई है जाके, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह 21 दिन के बाद जो है ना इसके चूज़े निकल आएंगे, लेकिन अब पता नहीं क्यों उठ रही है, उम्मीद है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये बैठ जाएगी। यार आज यहाँ पे पता नहीं कैसे, मैं पता नहीं आप समझते हो स्क्रिप्टेड है या क्या है, लेकिन मैं जब आया हूँ ना तो ये यहाँ पर बंद थे, हमने कहीं से भी कुछ नहीं किया, ना कहीं पे हमने ट्रैप लगाया था, ना कुछ ऐसा वैसा था, पता नहीं कहाँ से घुसे हैं और अब जो है ना ये बाहर नहीं निकल सकते, ऊपर से भी कहीं से जगह नहीं बनती जहाँ से जो है ना ये अंदर घुस सके, या तो ये नीचे से गए होंगे यहाँ से कहीं से, और काफ़ी टाइम के हैं ये, देखें कितनी सारी बिठे हैं यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये तकरीबन दोपहर के हैं यहाँ पर। बाकी अभी जो है ना हम इसको खोल देते हैं ताकि ये जो है ना निकल जाएँ निकल जाएँ निकल जाएँ। चलो भाई इनको पकड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वरना ऐसे तो ये इनको जगह नहीं मिल रही। इनको खोल दिया और हम जो है ना साइड पे हो जाते हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह खुद ही रास्ता देख के निकल जाएंगी। 20-25 मिनट में ना एक निकल गई थी, बाकी जो है ना दूसरी ना इसने और मैंने मिल के निकाली है, पकड़ना नहीं पड़ा और जो है ना वो जो है ना निकल गई है। जो है ना मैं पानी निकालने लगा था, मैंने देखा है इसके पास एक एग शेल पड़ा है, मतलब के चूज़ा एक ना एक निकल आया, इसको उठाते हैं और देखते हैं कितने एक निकले हैं, कितने बाकी हैं और कितने जो है ना निकल रहे हैं। ये देखिए सामने बैठे, चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक निकल रहा है और बाकी देख लेते हैं
उसके अलावा ये भी निकल रहा है, आराम से एक मिनट रुक जा भाई, और मैं देख के फिर आपको बताता हूँ। इसमें से ना तीन चार शूज़ हैं जो अभी जो है ना निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह कल तक जो है ना निकल आएंगे। बाकी एक तो ये माशाल्लाह से निकल आया क्यूटी पाई, इसको भी छोड़ देते हैं और आराम से इसको सुकून करने देते हैं, और हम अभी बाकी अपने दूसरे काम मुकम्मल करते हैं। ना कुछ देर बैठी है और अब जो है ना दोबारा से उठ गई है, पता नहीं इसका क्या मूड है क्या करने का। दुआ ही कर सकते हैं कि सुबह तक बैठ जाए, वरना इसको ना वापसी उसी गेज में शिफ्ट करेंगे। बाकी अभी यहाँ पर जो है ना रन करते हैं अपना व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज आप तक किसी तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए जय जी जिन शैला मिलेंगे न्यू व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।